press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं प्रदीप दुबे। फ्रेंड, आज आपको बताना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ अपने सर्विस को लेकर चेंजेस किए हैं, आज मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दूंगा। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड, जिनके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है, अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, चाहे वो जीरो बैलेंस का अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग बैंक का अकाउंट हो, चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो, अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं है, मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये है, अगर आपने गलती से एटीएम मशीन में अपना एटीएम लगा के 1000 रुपये निकालने की कोशिश की, तो उस वक्त आपका पैसा तो आपके अकाउंट में 1000 रुपये है नहीं, तो आपको उस समय चार्ज देना पड़ेगा। वो भी कोटक महिंद्रा बैंक आपसे चार्ज लेगा। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप से, 811 का जो ऐप्स है, अगर आप उससे ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा चार्ज। चाहे आप UPI ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे आप नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे तो आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। ये चेंजेस जो है बहुत तेज़ी से कोटक महिंद्रा बैंक जो है कर रहे हैं जो है, और बहुत से लोगों के पास मेल और मैसेज आ चुका है। जो लोग बाकी हैं उनको भी आ रहा है आगे पीछे। तो फ्रेंड, आपको यही जानकारी देनी थी कि अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है, तो आप अपने अकाउंट में पैसा रहे तो ही आप जो है एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड लगाएं पैसा निकालने के लिए। अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं और आप गलती से अगर आप ज़्यादा पैसा निकालने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा चार्ज। तो फ्रेंड, एक गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक गलती करेंगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि जो रूल है रूल का पालन करना पड़ेगा। और फ्रेंड, आप 811 का जो एप्स है उससे कुछ भी करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, उससे भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये आपसे मेरा निवेदन है फ्रेंड, ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। बस इतना ही कहना था फ्रेंड, अभी कोई ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, अभी क्या है, बाइक बूट कंपनी ने सभी को लीगल नोटिस जो है भेज दिया है। इसकी वजह से फ्रेंड कोई भी उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है, मैं भी उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यही रीज़न, यही कारण है फ्रेंड, क्योंकि उसका पालन मुझे करना पड़ेगा। फिर फ्रेंड, मेरे पास जानकारियाँ आती थी तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर देता था फ्रेंड। अभी क्या है कि कंपनी ने सबको नोटिस दिया है कि अपना पुराना वीडियो डिलीट करो और कोई भी न्यू वीडियो ना बनाएं। तो फ्रेंड, यही आपसे मेरी निवेदन है। आप लोग अपने मन में एक ख्याल मत लाइए का फ्रेंड कि मैं वीडियो क्यों नहीं दे पा रहा हूँ बाइक बोर्ड के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड कंपनी ने मुझे मना किया है, नोटिस दिया है। इसकी वजह से फ्रेंड मैं उनके नोटिस का पालन करूँगा और बाइक बोर्ड के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा फ्रेंड। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड। मैं अपना टॉपिक और भी जानकारी मैं आपको दूंगा इसी तरह से, बट आप बाइक बुक के ऊपर वीडियो मैं आपको नहीं बनाकर दे पाऊंगा फ्रेंड। उसके लिए आप लोग से माफ़ी मांगते हैं फ्रेंड। बस इतना ही कहना था। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ फ्रेंड। तब तक के लिए जय हिंद।